जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में मंत्रों का विशेष महत्व माना गया है। मंत्र जाप के द्वारा समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं, समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र अगर एक विशेष संख्या में और विशेष विधि के द्वारा जप किया जाए, सही तरीके से जप किया जाए, तो मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही एक महामंत्र है, जिसका जप नियमित अगर किया जाए तो जीवन की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। जीवन में सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है, शिक्षा में आपको सफलता चाहिए, मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं आप, सरकारी नौकरी की प्राप्ति आप चाहते हैं, या फिर आपके धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, सुयोग्य संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना है, नौकरी व्यापार में कोई रुकावट आ रही है मन में, या फिर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तंत्र मंत्र किए कराए का प्रभाव है, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है इस एक महामंत्र के द्वारा, जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें मंत्र के बारे में, दोस्तों वेदों का सार गायत्री महामंत्र को माना गया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है महामंत्र माना गया है। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस मंत्र के द्वारा, इस महामंत्र के द्वारा समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपके मन में कोई भी इच्छा हो, अगर आप प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। आपको सफलता की प्राप्ति होती है, शिक्षा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है गायत्री महामंत्र से। एक विशेष विधि के द्वारा अगर इसका जप किया जाए तो समस्त प्रकार की कामनाएं जपकर्ता को की जो होती है वो पूर्ण होने लग जाती हैं। जैसे अगर सुबह बिस्तर से उठते ही अष्ट कर्मों को जीतना चाहते हैं आप, तो 8 बार गायत्री महामंत्र बिस्तर से उठते ही आपको उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का जाप आपको 8 बार करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय एकांत पूजा में अगर आप बैठते हैं तो वहां अगर आप 3 माला या 108 बार यानी कि 1 माला रोज आप इस मंत्र का जप करते हैं तो वर्तमान और भविष्य में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और सदैव आपकी रक्षा भी होती है सभी प्रकार के बुरे विचारों के द्वारा या फिर बुरे शक्तियों के द्वारा भी आपकी रक्षा होती है इस मंत्र के द्वारा। भोजन करने से पूर्व अगर आप 3 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो भोजन अमृत के समान हो जाता है। हर रोज घर से पहली बार जब आप बाहर निकलते हैं तो 5 या 11 बार इस मंत्र का जप करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, और जिस भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं वो आपका कार्य शीघ्र ही पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। किसी भी मंदिर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते समय 12 बार भगवान को याद करते हुए, उस इष्ट देवता को याद करते हुए आप इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं गायत्री मंत्र का, तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको छींक आ जाती है तो उसी समय अगर आप 1 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं तो सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, छींक आती है तो अशुभ माना जाता है, तो अगर आपको छींक आती है तो उसी समय आपको 1 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेना चाहिए, उच्चारण कर लेना चाहिए, तो इससे जो भी अशुभता होती है छींक के द्वारा वो दूर हो जाती है। रोज रात को सोते समय अगर आप 11 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के भय जो है वो दूर हो जाते हैं, दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। नींद अगर आपको प्रॉपर नहीं आती है, रात्रि में आपको बार बार जागते हैं आप डर द्वारा या भय द्वारा, तो आपको गायत्री मंत्र का जप रात को सोने से पहले मन ही मन 11 बार जरूर कर लेना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आती है और किसी भी प्रकार का कोई डरावना सपना नहीं आता है। अब बात करें कि आपको इसका विशेष प्रयोग किस तरीके से करना है, जिससे आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी कोई बाधा है तो इस मंत्र के जप द्वारा आपकी समस्त प्रकार की जो जन्म कुंडली के ग्रह दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। ये उपाय आपको करना है उगते हुए सूर्य को देखकर। जब हम सूर्य देव को जल देते हैं हमारी सभी इच्छाएं वैसे भी पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य देव
ग्रहों के राजा माने जाते हैं। जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह सूर्य माने जाते हैं। और जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर, उनके दर्शन करके, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके मन की हर इच्छा भगवान सूर्य देव पूर्ण करते हैं। और ये जो मंत्र माना जाता है, ये भगवान सूर्य देव का मंत्र माना जाता है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, मन ही मन इसका उच्चारण कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं, और भगवान सूर्य देव से आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी ऊर्जा से शक्ति प्राप्त कर सकें और आपकी कृपा से हमारी बुद्धि को सही राह प्राप्त होने लगे। इस तरह से आप भगवान सूर्य देव की आराधना करके आप इस मंत्र का जप करें। कैसे करना है, विधि बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, प्रतिदिन हम सब सूर्यदेव को जल देते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, सुबह स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल देना होता है। अक्सर ही प्रश्न आता है कमेंट बॉक्स में कि क्या हम पूजा से पहले सूर्यदेव को जल दें। जी हाँ, स्नान के बाद जो सर्वप्रथम कार्य होता है वो सूर्यदेव को जल देना होता है। तो आप अगर सूर्यदेव को जल देते हुए, जो ये प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये आपको सूर्यदेव को जब जल देना है, आपको लाल वस्त्र धारण करना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर आप केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। लाल रंग भगवान सूर्य देव को बहुत प्रिय है। तो जब भी आप भगवान सूर्य देव की विशेष आराधना कर रहे हैं किसी विशेष कामना से, चाहे आप प्रतिदिन ऐसा नहीं करें, लेकिन ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपको लाल रंग धारण करके भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। यही सबसे उत्तम रहता है। तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठ के स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देना है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें और आपको लेना है एक तांबे का पात्र। जी हाँ, तांबे के पात्र में ही हमेशा सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ये भी प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि तांबे का पात्र ना हो तो क्या करें। देखिए, तांबे का पात्र ना हो तो ये कोई ऐसी असुविधा नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत कम पैसों में एक तांबे का पात्र मिल जाता है। छोटा सा एक तांबे का आप लोटा लेकर आइए और इसमें आपको जल देना चाहिए। मतलब अगर आप कोई विशेष आराधना कर रहे हैं, किसी विशेष देवता की, अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर इन सभी चीज़ों का आप इंतजाम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप एक तांबे का पात्र लेकर आइए और उसमें आपको डालना है शुद्ध जल। तांबे के पात्र को धोकर आपको शुद्ध जल लेना है, शुद्ध जल। उसके बाद इसमें रोली डालना है, एक लाल पुष्प आपको जरूर डालना चाहिए। लाल पुष्प ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ रोली डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लाल पुष्प मिल जाता है तो जरूर आपको डालना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव को लाल रंग का फूल बहुत प्रिय है। और लाल रंग के फूल को अगर हम डालकर जल में और सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो तो, संभव हो तो आपको जरूर करना चाहिए ये। और उसके बाद आपको अपने घर की छत पर आ जाना है, जहां से भी आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हो उन्हें देखते हुए ये उपाय आपको करना है। सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद आपको ये उपाय करना है। अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं उस समय भगवान सूर्यदेव सिर्फ आसमान में उनकी लालिमा दिखाई दे रही हो, उस समय आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है सूर्यदेव की आराधना का। अगर बहुत देर हो जाती है तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये उपाय कर लीजिए। मतलब अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 7 बजे से पहले पहले सूर्यदेव को जल दे लें, इस बात का आप समय निश्चित कर लें। तो सुबह उठना है, आपको ताम्र पात्र में जल लेना है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय, जैसे कि जल अर्पित करने की पूरी विधि मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वो लिंक दे दूंगी, वहां से देख लीजिए। इसमें मैं बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको जल देना है मंत्रों के साथ। जल आप दे रहे हैं उस समय भगवान सूर्य देव को आप देखते रहें, उनको देखते हुए मंत्र बोलें। मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये महामंत्र है और इस मंत्र के द्वारा आप अगर सूर्यदेव को जल देते हैं प्रतिदिन तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन आज ये विशेष उपाय है, तो आपको इस मंत्र का 24 बार जप करना है। हर रोज आपको 24 बार भगवान सूर्यदेव को देखते हुए
ये मंत्र आपको बोलना है। अपलक आप भगवान सूर्य देव को देखते रहें, जब तक आप देख सकते हैं भगवान सूर्य देव को 24 बार बोलना है, और सुबह सुबह ये उपाय करना है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सुबह भगवान सूर्य देव की किरणें जो हैं वो बहुत तीव्र नहीं होती हैं, बर्दाश्त के लायक होती हैं। आप बहुत आसानी से उनको देख कर इस मंत्र का जप कर लेते हैं, और 24 बार बोलने के बाद आप वहाँ पर 3 परिक्रमा कर लीजिए भगवान सूर्य देव की, और इसके बाद आप भगवान सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। आपके मन की जो भी इच्छा है भगवान सूर्य देव से कहिए। ये उपाय आपको तक करना है 43 डेज तक, 43 दिन तक लगातार आपको ये उपाय करना है। एक भी दिन आपको बीच में गैप नहीं करना है, अल्टर नहीं करना है, रोज रोज आपको ये उपाय करना ही करना है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो, सरकारी नौकरी चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, मन में कोई विशेष इच्छा है, धन समृद्धि चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, उच्च शिक्षा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो सब मिलता है। अगर आप ये उपाय प्रतिदिन कर लेते हैं 43 दिनों तक लगातार, और 43 दिन के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं, 43 दिन के बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नियमित करते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ आपका समय नहीं लगना है, मुश्किल से 10 मिनट लग जाएगा, और इतने में ही आपके सभी कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। तो ये उपाय आपको हर रोज करना है और ज़रूर करना है। अब अगर स्त्रियां इस उपाय को कर रही हैं तो अपने उन विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे पीरियड्स के दिनों को छोड़कर, आप बाकी के दिनों में ये उपाय कर सकती हैं। और बाकी आप जब भी ये उपाय करें पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें। ये उपाय बहुत लाभदायक है, जो भी करेगा उसको इसका पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा अगर विश्वास के साथ करते हैं तो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।